क्वेश्चन एट, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाई 6, 15, 18, लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो क्या करेंगे, रिमाइंडर अगर 5 आता है तो पहले हमें इन नंबर्स का क्या चीज़ करना होगा, जो भी इसका एलसीएम आएगा उसमें निकाल करके बाद में प्लस 5 कर देंगे। तो पहले हम इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, एलसीएम ऑफ 6, 15, 18 इक्वल टू। तो 6, 15 और 18 का एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर हमें सबसे छोटा नंबर देखना होगा कोई, जिसमें इन सब में चल जाए टेबल, जिसकी 2, 3, 6, 15 ऐसे आ जाएगा, जिसमें नहीं चलता हम उसको ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पर 3 से कर लेते हैं, देखिए 3 1 3 5 और 3 3। अब इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, 2, 3, 5, 3, 2, 3, 5, 3। इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2, 3, 10, 6, 6, 5, 30 और 30, 3, 90। तो इसका जो एलसीएम था वो 90 आ गया। अब लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 90 प्लस 5। ये 5 कहाँ से आया, ये वाला 5 इक्वल टू 95 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 18, 24 एंड 32। तो सबसे पहले हमें इनको क्या करना होगा, इनका एलसीएम फाइंड करना होगा, एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 32। इनका एलसीएम पहले फाइंड कर लेते हैं, यहाँ लिख करके देखिए 18, 24, 32 जो 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 स्मॉलेस्ट नंबर है, जो लिस्ट नंबर होगा जिसके अंदर इसके ये टेबल चल जाएगी, 2, 9, 18, 2, 1, 2, 2, 2, 24, 2, 1, 2, 1, 12, 2, 6, 12। फिर इसे 2 से चलाएंगे, देखिए ये 9 ऐसे आ जाएगा, 2, 6, 2, 8, 16। फिर इसको 2 से चलाएंगे, 9 ऐसे आ जाएगा, 2, 3, 6, 2, 4, 8। अब इसे 3 से कर लेते हैं, 3, 3, 9, 3, 1, 3, 4 आ गया। यहाँ पे फिर 2 से कर लेते हैं, 3 ऐसे आ गया, 1 ऐसे आ गया, 2, 2, 4 आ गया। अब ये जितने भी नंबर्स हैं इनको यहाँ लिख लेते हैं, देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 टाइम तो ये आ गया, फिर 3, फिर 2, 3, फिर 2, इसके बाद में 3, 2, फिर 3, 2। अब देखिए क्या करेंगे, इनके मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 2 48, 48 6 कर लेते हैं, 48 6 6 8 48 कैरी 4 और 6 4 24 28, 288 इसका एलसीएम आ गया, 288 इसका एलसीएम आ गया। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट कह रहे हैं यहाँ पर ये, तो यहाँ लिखेंगे द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इक्वल टू 1000। ये 1000 होता, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 होता, तब क्या करेंगे, नाउ इसके अंदर लिखेंगे हम, नाउ इसको डिवाइड करना है हमें, 1000 को डिवाइड करना होगा किससे, 288 से, 288 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम चलेगा, तो 3 8 24 कैरी 2, 3 8 24 26 कैरी 2, 3 2 6 8, 10 में से 4 6, 9 में से 6, 3 9 में से 8, 136 आ गया ये। सो द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, पहले हम इसे लिखेंगे 1000 को, इसमें हमें प्लस करना होगा कितना, इसको माइनस करके 288 को में से माइनस कर देंगे जो ये आया था 136, तो इसको माइनस करके देखते हैं कितना आता है, ये 288 में से हमें 136 को माइनस करना है, 8 में से 6 2, 8 में से 3 5, 152 आ गया ये, यहाँ पर लिखेंगे 152। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो इसका आ जाएगा 1152 आंसर।